सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। इसमें अवतर ग्रह के बाद आप जब घर पे आए उसके बाद आपके साथ लोगों ने गलत व्यवहार का आरोप लगाते हुए आपकी छाती पर क्या हम गए थे पत्रकार मीडिया बंधु के साथ में और मुखिया जी के बुलाव पे ग्रामीण जनता पालीपुर के बुलाव पे आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चल रहा है तो उत्तर नहीं है अपना भी बार देखें तो बहुत बार शिकायत आया तो गए 8 तारीख के शायद 8 तारीख को गए हम देखने के लिए और पत्रकार बंधु भी थे मीडिया कर्मी भी थे जो समझ लेकर गए हुए थे और जा करके जाँच पाए किए और पत्रकार बंधु भी इसके गवाह हैं कि जो भी आंगनबाड़ी था बंद था और ग्रामीण भी जो सो देखे कि आंगनबाड़ी बंद था। इसके बाद आने के बाद जो सो वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए केंद्र पे उसके बाद हम वापस इसके बाद जो है करीब 10 तारीख को वार्ड 2 के सेविका सीमा शुक्ला जो है उनका कोड है 234 है उनके पति शिशिर कुमार शुक्ला कुछ पत्रकार लोग से बात कर उनके वॉइस को रिकॉर्डिंग किए और रिकॉर्ड करके और लोग आपस में बात किए और मेरे नाम पे ये गलत टिप्पणी करते हुए और फेसबुक पर चला दिया। जब इसके यह मामला जब हमको जानकारी चला और देखे तो हम इसको ये वकील से सलाह किए कि मानने का केस बनता है तो आप बोले तो मानने के लिए तो बोले कि आप लीगल पर नोटिस दीजिए इस पर अगर संज्ञान नहीं लिया जाएगा अगर माफी लोग नहीं मांगे तो इस पर दर्ज कर दिया जाएगा। हमने लीगल नोटिस भी जारी किया है जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। उसके बाद एक और सेविका के द्वारा झूठा इल्जाम लगा करके मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन दिलाया गया जो स्वयं भी वापस ली जो सेविका थी वापस ली और शिशिर कुमार शुक्ला जी के द्वारा मेरे नाम से एक एप्लीकेशन जो है सो थाना में पाटन थाना में दिया गया है मुझे ये बिल्कुल झूठ है बेबुनियाद है और यह जितना भी लोगों का कहानी है बेबुनियाद खाली झूठे पे आधारित ऐसा कुछ भी नहीं है और जहां जनता लोग बुलाएंगे वहां पर तो पत्रकार बंधु हम जाएंगे ही इसलिए मुझे चुनकर भेजे हुए हैं कार्य करने के लिए घर बैठे हुए तो नहीं भेजे हुए हैं तो उन लोग के उत्तरानुसार हम जाएंगे ही जहाँ पे हो जहाँ जाएंगे करने के लिए देखने के लिए जाँच करने के लिए उन लोग सुविधा के लिए जितना भी लोग षड्यंत्र लगाना चाहेंगे करना चाहेंगे हम षड्यंत्र को बर्दाश्त करेंगे लेकिन उन लोग काम हम करेंगे पार्टी की जनता को काम हम करेंगे किसी भी अवस्था में किसी हाल में।